दोस्तों, नेवला और सांप की लड़ाई तो आपने देखी ही होगी। इस लड़ाई में नेवला और सांप दोनों ही जख्मी हो जाते हैं, पर ज्यादातर मामलों में नेवला सांप को हरा देता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं नेवला और सांप दोनों में दुश्मनी क्यों होती है? क्योंकि मैं आपको बता दूं कि सांप रेंगने वाला जीव होता है और वह उस सभी जीवों के लिए दुश्मन बन जाता है जो कि जमीन के अंदर घर बना के रहते हैं, क्योंकि सांप उनके घरों में घुसकर उनके अंडे और बच्चे को खा जाता है। या जंगल के पाए जाने वाले बुरे रंग के नेवले पर इसका जहर का असर बहुत कम होता है। नेवला सांप को बहुत सावधानी से पकड़ता है, फिर भी सांप के डसने से नेवला का DNA अल्फा बीटा ब्लॉकर्स प्रस्तुत करता है जो कि जहर रिपोर्ट्स के साथ नहीं बनता है और नेवले की मौत हो जाती है। इस जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।